हेलो गाइज, और बात करते हैं बैंक निफ्टी, और इसी में बात करेंगे अपन नए इंफ्राटेल की भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी के जो आपको बताए थे कि यहाँ पे 31,700 तक बैंक निफ्टी टारगेट आपको दिखा सकता है। ये मैंने कल ही आपको टारगेट दिए थे, 30,700 तक बैंक निफ्टी टारगेट दिखा सकता है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी टारगेट दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वहाँ से टकरा कर बैंक निफ्टी वापस से 30,200 तक लौट सकता है। तो वापस इसने 242 टच किया, यानी दोनों तरफ के टारगेट यहाँ पे कम्प्लीट होते हुए और 100% यहाँ पे टारगेट आपको मिलते हुए। तो यहाँ देख सकते हैं, जिसने हाई लगाया है 30,699, यानी कि 30,699.15, तो देख सकते हैं सिर्फ पूरा पूरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ। और नीचे भी अगर बात करें अपन यहाँ पे 30,200 के लगभग इसने टारगेट दिखाए हैं, क्योंकि जो मैंने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पे जो 50 दिनों का मूविंग एवरेज आ रहा है, इससे टकरा कर बैंक निफ्टी बार बार यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर इसके नीचे जो चला गया बैंक निफ्टी, तो वो यहाँ से धड़ाम से गिरेगा, गेप भरेगा यहाँ पे। और आपको बताएं, अगर 30,000 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो इसके नीचे गिरेगा, तो पहला टारगेट होगा ना 30,000 का। ठीक है, ध्यान देंगे, पहले बताया था मैंने। और इसके नीचे 30,000 को ब्रेक करेगा तो 29,300 बड़ा फास्ट गति से बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन यहाँ आपको क्या बताया गया था कि बैंक निफ्टी अगर 30,000 यहाँ से आपको बाउंस बैक आज देखने को मिल सकता है, और वो 30,700 तक देखने को मिल सकता है, वापस 30,200 वापस लौटने को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो वही बात, 30,700 तक के टारगेट मिले, बिल्कुल 700 के 1 रुपये भी ऊपर नहीं गया बैंक निफ्टी। और 700 तक का जो मूविंग एवरेज, यानी कि 21 दिनों का मूविंग एवरेज, 9 दिनों का मूविंग एवरेज, दोनों जहाँ पे क्रॉस हुआ है वहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्रॉस होकर दोनों मिल गए हैं, तो दोनों का एक 21 डेज का और 9 डेज का दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ की इसके ऊपर जाने का बैंक निफ्टी का सवाल नहीं था, क्योंकि सवाल देखो हो सकता है 1%, 2%, 10% कुछ कुछ भी हो सकता है। बाकी जो टेक्निकल चार्ट यहाँ पे शो कर रहा था, तो यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, और 30,700 तक के कोई बीच में कोई रुकआउट नहीं नजर नहीं आ रही थी। तो 30,700 बड़ा फास्ट गति से भागा, और सुबह सुबह ही भाग गया। ठीक है, इसमें कोई रुकआउट नहीं है, बड़ी फास्ट गति से भाग गया, सुबह सुबह चला गया था 30,700, यानी कि आधे आधे घंटे में ही सही लगभग इसने 30,700 के टारगेट अचीव कर लिए थे। ठीक है, ये तो ये इसमें जो क्लियर कटता है टारगेट दिए गए। उसके बाद में आपको 30,200 तक के टारगेट वापस लौट कह सकता है, क्योंकि 30,200 के नीचे भी इसमें एक सपोर्ट बना हुआ 30,200 के आसपास भी। तो यहाँ 30,200 तक के इसमें ना टारगेट दिखाए हैं। अब देखो कल का जो आपको टारगेट है वो बता दें, कल का क्या टारगेट होगा वापस से ध्यान देंगे। बैंक निफ्टी अगर 1 मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, हाँ वही 30,150 जैसे ब्रेक करेगा। अगर 30,150 ब्रेक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, ध्यान देंगे 30,150 बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता, वापस 30,500 30,700 तक फिर जा सकता है। ध्यान देंगे 30,150 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तो 30,500 30,700 वापस जा सकता है। 30,150 ब्रेक नहीं करता, अगर 30,150 ब्रेक ब्रेक किया बैंक निफ्टी, तो फटाफट ही 30,000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। 30,000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, 30,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर 30,000 ब्रेक हो गया, तो बैंक निफ्टी आपको 29,300 तक के टारगेट, जो अपना सेकंड टारगेट है, पोजिशनल टारगेट अपन लेके बैठे हैं, 31,700 तक से अपने 31,708 से अपने सेल किया था, और पोजिशनल अपना टारगेट है, तो ये आपको 29,300 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बड़ी फास्ट गति से ये टारगेट आपको दिखा सकता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आगे अपन इंफ्राटेल की। तो इंफ्राटेल के बारे में आपको बताया था कि ये 270 के नीचे न जाने का क्लोजिंग देने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया 270 के नीचे जैसे जाता है, इसमें बड़ी फास्ट गति से इसमें मूवमेंट आता है, और इसको ऊपर ही धकेला जा रहा है बार बार में। ठीक है, ऊपर ही धकेला जा रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट आप देख सकते हैं, 260 270 के बीच में कितना बेहतरीन सपोर्ट है। 262 का जो मिडल पॉइंट है, इसका बेहतरीन सपोर्ट नजर आ रहा है। तो इंफ्राटेल को वहीं से वापस ऊपर धकेला जा रहा है। तो ये एक इंफ्राटेल की अच्छी बात है कि इंफ्राटेल में मजबूत सपोर्ट यहाँ पे बरकरार है, और इसकी जो क्लोजिंग देख सकते हैं 272 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आई है। कल 270 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, और लेकिन कल भी 265 चला गया था, वापस ऊपर क्लोजिंग गई 270 के ऊपर। आज भी 267 चला गया, लेकिन क्लोजिंग वापस 272 के 270 के ऊपर आ रही है, तो अच्छी बात है। ठीक है, आज 22 सेकंड भी मिला है। कल इंफ्राटेल ध्यान देंगे, इंफ्राटेल जैसे ही
275 को इंफ्राटेल निकालता है। ध्यान दें कि 275 को अगर इंफ्राटेल निकाल देता है तो इंफ्राटेल का पहला टारगेट आप 280 रुपये का लेके चले, 280 रुपये का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट इंफ्राटेल का होगा 285 रुपये का, ठीक है। 275 को इंफ्राटेल निकालता है तो 280 285 दूसरा दूसरा टारगेट होगा, और तीसरा टारगेट होगा अपना इसमें 290, तीसरा टारगेट 290 का इसमें इंफ्राटेल अभी दिखा रहा है इसमें, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर हूँ, मार्केट से भी बाहर हूँ, तो ये आपको ये लास्ट में मार्केट की अपडेट जो डेली अपडेट आपको दे रहा हूँ, तीनों तीन चार स्टॉक्स के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, तो वो मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा टाइम निकाल के दे रहा हूँ। बाकी मैं मार्केट में इंट्राडे में काफ़ी मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, कभी कभार एक दो बार देख लेता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में अभी मैं बाहर हूँ और 25 तारीख तक बाहर रहूँगा मैं, और घर से भी बाहर हूँ मैं, तो ये तो थोड़ा इस साइड में चित्तौड़गढ़ के मैं आया हूँ अभी मैं चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो ये यहाँ उदयपुर चित्तौड़गढ़ यहाँ पे थोड़ा मैं अभी इस बाहर आया हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो मार्केट में बैठ नहीं पा रहा हूँ और इंट्राडे में भी बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये तीन स्टॉक्स के बारे में मार्केट के क्लोज होने के बाद में आपको अपडेट तो मिल ही रही है, तो ये अपडेट का ध्यान रखें। बैंक निफ्टी में आपको जो टारगेट दिखाए थे वो टारगेट 30,700 तक के टारगेट मिले, कंप्लीट टारगेट मिला, वापस से 30,200 टारगेट मिला, दोनों टारगेट मिले। यस बैंक का आपको टारगेट 100 रुपये तक के टारगेट दिए गए, तो 100 रुपये तक के टारगेट आपको आपको मिले, ठीक है। पिछले वर्ष में बताया यहाँ पे ग्राउंड के थमने का नाम ले सकते हैं, तो चार चारों जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी चारों मिली, और इंफ्राटेल में बताया कि यहाँ पे 270 के ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है, तब तक लिए अपना इसमें मजबूती सपोर्ट मजबूत सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट आपको यहाँ पे 90% एक्यूरेसी साथ दिए जाते हैं, तो यहाँ पे 90% के ऊपर अब एक्यूरेसी आपको मिल रही है, और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 7689871065। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।